हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? एक बार फिर स्वागत है आपका उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मैं अनूप सेमवाल, टिहरी गढ़वाल से। तो दोस्तों, आज मेरा सफ़र होने वाला है घंटाकर्ण देवता। तो मैं दर्शन करने जाऊंगा घंटाकर्ण देवता के, और आपको भी दर्शन करवाता हूं मैं घंटाकर्ण के। तो आप वीडियो में बने रहे, और रास्ते का पैदल रास्ता है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं तमियार मोटर मार्ग पे, और जहां से जाता है ये रास्ता ऊपर की ओर घंटाकर्ण देवता, और नीचे है तमियार वाला रास्ता। घंटाकर्ण देवता ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पे है, और खाड़ी से जो देवप्रयाग का मार्ग जाता है उस रूट पे है। तो आपको वीडियो में आगे घंटाकर्ण देवता के दर्शन कराते हैं, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अभी बहुत चढ़ाई है। तो चढ़ाई लास्ट ही में भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि आप वीडियो में दिखाऊंगा यहाँ के सुंदर सुंदर पहाड़, और जंगल से होते हुए हम पहुँचेंगे घंटाकर्ण। हम पहुँच चुके हैं घंटाकर्ण के लिए पैदल मार्ग, और स्कूटी मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है, क्योंकि पैदल बहुत है। नीचे से तो ऐसा लग रहा है कि क्या हम चल पाएंगे इतनी दूर। चलो चलते हैं, भगवान की कृपा है, चल ही जाएंगे। यहाँ पे हैं काफल के पेड़, बांज के पेड़, बुरांस के पेड़। बिल्कुल ठंडक है यहाँ पे। और मेरे साथ जो भंडारी जी आ रखे, वो आगे आगे निकल चुके हैं। अभी चढ़ाई नहीं हुई शुरू, चढ़ाई आने वाली है। और यहाँ नीचे ऐसा लग रहा है जैसे भुजाव होगा। कोई बता रहा था ये जमीन सारी बिक चुकी है। काफल दिया हमें खाने के लिए, काफल लेने आ रखे हैं आंटी जी। यहाँ पे मिली है एक आंटी जी, और उन्होंने मुझे दिया काफल खाने के लिए। और यहाँ पर लगी हुई है हिसल, और ये हमारे यहाँ जंगली फ्रूट हिसल, इसको खाते हैं हम रास्ते में जाते जाते। ये हिसल का पेड़, और ये लगे हुए हिसल जिसको खाते हैं हम लोग। ये है पहाड़ी फ्रूट हिसल, जंगलों में होता है ये। इसका आनंद लेते हुए हम चलेंगे घन्याल देवता। और घंटाकर्ण मंदिर है अभी 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर, और यहाँ से होते हुए जाएंगे हम। और अब शुरू हो चुकी है यहाँ से हल्की हल्की चढ़ाई। मैं आया था 2016 में, दूसरी बार आ रहा हूँ मंदिर। अभी कच्चा भीषण का फल ना। हाँ, तुम तो यानी चढ़िया डालो पा, मैं बचपन याद दिले दिले। हाँ, ये नहीं चढ़िया रहते हम डालो पर। हाँ, ये है जंगली फ्रूट किरमोड़, अभी पके नहीं, कच्चे हैं। और जब ये लाल हो जाती है या काली हो जाती है, तब खाने का आनंद ही कुछ और है। हम लोग काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, और घंटाकर्ण देवता है यहाँ पे। अभी जाना है हमने इस रास्ते से होते हुए इधर को घंटाकर्ण देवता, और यहाँ पे विश्राम गृह है, थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि आगे चढ़ाई है। और मैं और भंडारी जी रास्ते में आराम कर रहे हैं, क्योंकि आगे अब चढ़ाई लगने वाली है, खड़ी चढ़ाई। तो आराम करके चलते हैं, फिर रुक रुक के जाएंगे, जहाँ पे थक लगेगी तो रुक जाएंगे। हम काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम आए वहाँ नीचे से थे, तो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ से शुरू हो चुकी है खड़ी चढ़ाई। ये है हमारे पहाड़ों की खूबसूरती। ऊपर चोटी से देखे खूबसूरत नज़ारा। और रास्ते में हो रखी है बैठने की व्यवस्था जगह जगह, थोड़ा हम भी यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा का इतना एहसास नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ठंडक है। दूसरा है यहाँ पे बांज, बुरांस, काफल के पेड़ है, जिनको ठंडक का स्रोत माना जाता है, क्योंकि इनकी जड़ों से जो पानी भी निकलता है, ऐसा निकलता है जैसे
फ्रिज का पानी हो बिल्कुल ठंडा, तो उसका पीने का आनंद ही कुछ और है। दूसरा यहाँ पे काफल और हिसू के पेड़ हैं, इंसान तो खाते खाते, लेकिन जंगली जानवर भालू ये अधिकतर आते हैं इनको खाने के लिए, इनका भोजन ही। भालू का प्रमुख भोजन ही काफल है और एक हमारे यहाँ होता मोल, और यहाँ से दिखाता हूँ आसपास का जंगल। यहाँ पे दिखा मुझे काली हिसल, जो मुझे बहुत पसंद है, जंगली फ्रूट है, इसको खाने का आनंद ही कुछ और है। ये तो हमारे यहाँ होती है क्योंकि काफ़ी विलुप्त भी हो चुकी है ये, और मुझे यहाँ दिख गई घंटाकर्ण में। और ये है काली वाली हिसल, अभी कच्ची है, पकी नहीं है। पकने के बाद तो इसका टेस्ट ही लाजवाब है। ये हमारे पहाड़ों का जंगली फ्रूट है और हमको जाना है यहाँ, घंटाकर्ण देवता यहाँ विराजमान है। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिर हम ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ से सीधा रास्ता है, अब चढ़ाई नहीं है। और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, छोटा सा मंदिर है भगवान का। थोड़ा प्रसाद यहाँ पे भी चढ़ाते हैं भगवान को। और यहाँ देखिए पूरा बांझ का जंगल है, और हमने इस रास्ते से जाना घंटाकर्ण की तरफ। हम पहुँच चुके हैं श्री घंटाकर्ण धाम भीमचूला। आपको भीमचूला के दर्शन कराते हैं पहले। और ये है भीमचूला, यहाँ पे भीम की फ़ोटो है, मूर्ति बनी हुई है, खूबसूरत मूर्ति। हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास और ऊपर दिख रहा होगा मंदिर का प्रांगण, तो चलते हम मंदिर की ओर। देवा भाई जी, हाँ, जय घंटाकर्ण देवता, हर हर महादेव। मंदिर में पहुंचने वाले हम, आप दर्शन करें घंटाकर्ण देवता के, सिद्ध पीठ घंटाकर्ण देवता। पहुंच गए हम घंटाकर्ण देवता के पास, दर्शन करते हैं, फिर वीडियो में आपको भी दर्शन कराते हैं। सकता है क्योंकि यहाँ पर सख्त मना है, तो बाहर की वीडियो आपने देख ली होगी। और आपको वीडियो में दिखाता हूँ यहाँ का आसपास का इलाका कैसा है, क्या है, आप वीडियो में बने रहें। यहाँ आसपास है खूबसूरत पहाड़ों की वादियाँ।
दोस्तों, मंदिर दर्शन के बाद हम खा रहे हैं अभी खाना, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन है जहाँ पे खाना बनता है। और ये दाल चावल लग चुके हैं, राजमा की दाल है, और ये भंडारी जी भी आनंद उठा रहे राजमा चावल के, और इन्होंने पतीला भी यहीं पर रख दिया और भात का प्रेशर भी यहीं पर रख दिया। खाओ बल, जितनी मर्जी खाना है, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता बल। यही तो घंटाकर्ण देवता की कृपा है। तो दोस्तों, मंदिर के दर्शन हमने कर लिए और खाना भी खा लिया, और अब चलते हैं हम घर की ओर। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को खूब सारा प्यार करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय घंटाकर्ण देवता। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।